और वहीं प्रदेश में अगर बात भीषण गर्मी की करें तो लगातार इसका सितम जारी है। पिछले 10 दिन में पारा 4 बार 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इसी कड़ी में चूरू और धौलपुर में तापमान 50 डिग्री के पार दर्ज किया गया। धौलपुर 51 डिग्री पारे के साथ लगातार छठे दिन भी देश का सबसे गर्म शहर बन चुका है। प्रदेश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब पारा 51 डिग्री पर पहुंचा। इससे पहले 19 मई 2016 को फलोदी में पारा इस स्तर पर पहुंचा था। वह चूरू की अगर बात करें तो चूरू में तापमान अभी 50.3 डिग्री रहा। इसके अलावा जयपुर में भी सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, यहां तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने 21 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया। वहीं जानलेवा हुई गर्मी के चलते झालावाड़ के धुलेट निवासी मोहनलाल की लू के चलते मौत हो गई। बता दें कि प्रदेश भर के 21 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। इस भीषण गर्मी के चलते तपती सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए A1 संवाददाता मुनेश धाकड़े हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मुनेश, लगातार एक के बाद एक हर जिले में ये भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लू के चलते लोग इसकी चपेट में आकर एक वृद्ध की मौत भी हो गई। जी ज्योति, मैं बता दूं कि प्रदेश क्या देश का सबसे गर्म जिला धौलपुर गर्मी के चलते और ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जब पड़ रही है यहाँ पर और 51% तापमान पहुंच गया है, तो ये गर्मी इतनी भीषण है कि सुबह से ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं और सड़कों पर बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा सा छाया रहता है। और लू के थपेड़े से बचने के लिए वही लोग बाग जो गर्म वो सूती कपड़े हैं उनको लपेट करके बाहर निकल रहे हैं, मुंह ढक करके बाहर निकलते हैं। और प्रशासन की बात की जाए तो नगर पालिका की तरफ से धौलपुर जिले में, बाड़ी उपखंड जिले में भी पानी का छिड़काव लगातार जारी है। जी ज्योति, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से बता दूं कि लू के चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई और लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप प्रदेश भर में जारी है। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने एक नहीं बल्कि 21 जिलों में रेड अलर्ट को जारी किया है। बता दूं कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में रेड अलर्ट को जारी किया है। लू की चपेट में आने से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। लगातार आज छठे और सातवें दिन धौलपुर देश का सबसे गर्म शहर बन चुका है। पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। और योगेंद्र वर्मा हमारे साथ A1 संवाददाता चूरू से फोन लाइन पर मौजूद है। योगेंद्र, चूरू के हाल की बात अगर करें तो कैसा है वहां पे, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो चूरू में लगातार पारा हमेशा से ही ज्यादा रहा है और गर्मी में क्या कुछ हालात है? जी जो मैं बताना चाहूंगा, चूरू में अभी पारा लगभग 50 डिग्री के लगभग चल रहा है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह 10 बजे ही गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। लोग वाग अपने घरों से तौलिया वगैरह बांध के निकल रहे हैं, लेकिन 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक बिल्कुल रोडें सुनसान हो जाती है। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, लोग बाहर निकलना पसंद ही नहीं कर रहे। इतनी तेज गर्मी है कि जानवर आदमी सब परेशान है। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि चूरू में भी तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया और धौलपुर सबसे गर्म शहर रहा सातवें दिन भी, लेकिन चूरू में भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है।